हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सब सब अच्छे होंगे। मुझे एक बात कन्फेंस करना है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बोला था कि 4 जून को हमारे साइड में वोटिंग हुआ था। वो 4 जून को नहीं, 1 जून को हमारे साइड में वोटिंग हुआ था, 4 जून को काउंटिंग हुआ था। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि गलती किया है कि तो कर लिया। मैंने बोल दिया 4 जून को मैं गई थी वोट देने के लिए, इसके लिए सॉरी। और कैमरा फेस करते ही सारे मतलब वर्ड्स हम सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये मेरे में होता है, जब भी फेस कैमरा करती हूँ ना तो उल्ट। चलिए देर ना करते हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज बताने जा रही हूँ ये वाला फिटकिरी आलम, हिंदी में आलम बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे। फिटकिरी में एंटी बैक्टीरियल और ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी पाया जाता है। हमारे स्किन पे एक्ने, मुहासे, दाग धब्बे, सच को तो मैं इसको कभी यूज नहीं किया अपने फेस पर इतना पता है। जो लोग जेंट्स लोग शेविंग करने के बाद इसको आफ्टर वॉश के बाद, बॉयज लोगों को फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ये वाला यूज करते हैं फिटकिरी आला। इसीलिए उनका स्किन हमेशा पूरा टाइट रहता है। हमारा स्किन और उन बॉयज लोगों का स्किन हमेशा अलग है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो पहले प्याज पेस्ट जरूर ले, उसके बाद देन अपने फेस पे अप्लाई करिएगा। सबका स्किन एक जैसा नहीं होता है। मैं इसको पहले प्याज पेस्ट लूंगी, उसके बाद देन अपने फेस पे लगा के आपको दिखाऊंगी रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो। ये बहुत अच्छा रेमेडी थे, मैंने बहुत सारे मतलब वीडियोज में देखा है फिटकिरी बहुत काम की चीज होता है। तो ये देखिए, मैंने उसको थोड़ा सा इतना चौक मतलब थोड़ा सा कूट के उसका, सच में नहीं पता ये क्या, थोड़ा सा ट्राई करने में क्या है इसमें। ये और ये कोकोनट नारियल है, अच्छी तरीके से मिला रहेगा। इसमें गुलाब जल, नारियल तेल तो यूज करूँ, इसमें गुलाब जल भी आप मिलाकर लगा सकते हो। मैं कहीं पे पढ़ा था इसीलिए। स्किन को टाइटिंग करता है। पहले प्याज टेस्ट करते हैं, अगर इचिंग हुई तो बिल्कुल फेस पे नहीं लगाऊंगी। देखिए मैंने लगा अपना हाथों में, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी टाइम रुकते हैं क्योंकि नारियल तेल वैसे भी ठंडक होता है। तो नारियल तेल से मिक्स होने के बाद इतना प्रॉब्लम नहीं, अभी तक तो कोई जलन वगैरह की इचिंग वगैरह नहीं हो रहा है। पर कुछ लगा है, बस ये एहसास हो रहा है कुछ तो लगाया है मैंने। 5-2 मिनट हो गया है, 5 मिनट तो हो गया पर कुछ इचिंग नहीं हो रहा, तो ये आप फेस पे लगा सकते हैं। 5 मिनट हो गया कुछ इचिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसको आप फेस पे लगा सकते हो। मैं अपना प्याज टेस्ट किया, उसके बाद फेस पे लगा। सबका स्किन एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए बहुत जनों का स्किन सेंसिटिव होता है, इसको लगने से इचिंग हो सकता है। तो इसको मैं धो के आती हूँ, देन आपको दिखाऊंगी क्या रिजल्ट क्या है। फर्क नजर आ रहा है क्या? मुझे तो आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा कलर फेड दिख रहा है, ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट वाला मैंने ट्राई किया था लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है इसके, ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट का दिख रहा है। तो ये ट्राई किया तो मैं ये पास मार दूंगी, ये फेस पे लगा सकती हूँ, पक्का लगाऊंगी अगली बार। तो दिखा, ये सच में बहुत ज़्यादा
ये स्किन टोन को सच में टाइट करके रखेगा और स्किन को मॉइस्चराइजर भी लगा। फिर बाबा रे, हमारे साइड में मानसून आने में बहुत लेट है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ न्यू वीडियो पे न्यू रेमेडी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।